हेलो एवरीवन वेलकम टू दी चैनल एवरीकुल्सैनिकार्मिंगक्चर वन एंड आज के ऑर्गेनिकार्मिंग प्रिंसि एंड इट्स को तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे तो so सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड यूज किया गया था बाय लॉर्ड नॉर्थ जो कि एक ब्रिटिश एग्रीकल्चरिस्ट थे अपने बुक में लिखा था उन्होंने जिसका नाम था लुक द लैंड अब द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिफाइंस ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट इज मैनेज टू रिस्पॉन्ड टू साइट स्पेसिफिक कंडीशन बाई इंटीग्रेटिंग कल्चरल बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रैक्टिस दैट फॉस्टेड साइकिलिंग ऑफ रिसोर्सेस प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ये यू एस डी ए तरफ से डिफाइन करा गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो कि प्रमोट करेगी इकोलॉजिकल बैलेंस को भी और कंजर्व करेगी बायोडाइवर्सिटी को भी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम और भी तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे कि ये एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जो कि यूज़ करती है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को एंड बेस्ट कंट्रोल अक्वाइड फ्राम एनिमल और प्लांट वेस्ट

ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्हांस सॉइल हेल्थ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से इन्हांस होती है सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी जिस और हम यूज़ करते हैं इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड इसमें हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं इसमें हम अर्थफॉम का यूज करते हैं इसमें एंड मिनिमाइजिंग वाटर पॉल्यूशन एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू हैबिटेट क्रिएशन एंड कार्बन सिक्वेरेशन द सेकेंड इज हेल्थियर फूड ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस पेस्टिसाइड रेजिड्यूज सिंथेटिक हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन फूड प्रमोटिंग हेल्थियर ऑप्शन विथ हायर लेवल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स द थर्ड इज इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी मिलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्योंकि ये इसमें हमें एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ता है इस वजह से द फोर्थ इज हाई डिमांड द ग्लोबल डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज हाई जैसे कि अभी लोग ज्यादा नेचुरल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनिक चीजें की तरफ और उन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा इसलिए जनरेटिंग मोर इनकम थ्रू एक्सपोज़ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज फिफ्थ गुड रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट अ फार्मर कैन अचीव अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाई यूजिंग चीपर एंड लोकल इनपुट्स एक फार्मर uh, सस्ती से सस्ती चीजें यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काउडंग स्वाइल, मेन्योर एंड कंपोस्ट वगैरह एंड उससे वो ज्यादा से ज़्यादा कमा सकता है एक गुड रिटर्न मिल सकता है उसको अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग द फर्स्ट इज लोअर एल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग टिपिकली रिजल्ट इन लोअर क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू दबसेंस ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोअर ईल्ड होती है ड्यू टू जिसमें कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नहीं होते पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं काउजिंग रिड्यूस बेस्ट एंड वीड कंट्रोल एंड स्लोअर प्लान न्यूट्रिय अपटेक जिससे कि जो न्यूट्रियस होते हैं सॉइल में वो धीरे धीरे प्लांट्स में जाते हैं द सेकेंड इज लिमिटेड अवेलेबलिटी एंड हायर प्राइस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर ऑफ एंड मोर एक्सपेंसिव दैन कॉन्वेंशियल वंस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में लिमिटिंग एसेस फॉर कंज्यूमर्स विद लोअर इनकम्स डू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर ईल्स एंड सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिस दर्ड इज शोटर सेल्फ लाइफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है शॉर्टर सेल्फ लाइफ ड्यू टू देर हाइयर नंबर ऑफ फ्लॉज कंपेयर टू केमिकल प्रोडक्ट केमिकल प्रोडक्ट को यूज करके हम उसकी शेल्फ uh, लाइफ को बढ़ा सकते हैं एंड वो ज्यादा दिन तक चलती है बट ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम समय के लिए होती है द फोर्थ इज रिस्क ऑफ बेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजिंग नेचुरल बेस्ट कंट्रोल मेथड्स लाइक क्रॉप प्रोटेसन एंड बायोलॉजिकल मैनेजमेंट बट दीज में नॉट ऑलवेज प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन पोटेंशली लीडिंग टू क्रॉप लॉसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जनरली यूज होता है क्रॉप प्रोटेसन एंड बायोलॉजिकल मैनेजमेंट का यूज करते हैं बट ये हमेशा के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती है प्लांट को कोई ना कोई वीड या डिजीज लगी जाती है प्लांट्स में द फिफ्थ इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद विदर शॉर्ट सेल्फ लाइफ एंड नीड फॉर केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज पोस्ट लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली फॉर फ्रेश प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन में भी चैलेंजेस आती हैं उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ता है अच्छे से पहुंचाना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है और जो फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं उसे और भी केयरफुल तरीके से हमें स्टोर करके लोकल मार्केट्स में पहुंचाना पड़ता है अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिमिटेशन इसका है लेस आउटपुट हायर रिस्क शॉर्ट सेल्फ लाइफ Certification challenges Market access and distribution. And next is principles of organic farming. So the first is principle of health. It should avoid the use of fertilizer, pesticide, animal drug, and food additives that may have adverse health effect. हमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स फूड एडिटिव्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सब का एक एडवर्स हेल्थ इफेक्ट पड़ता है हम पे द दकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी इट शुड बी बेस्ड ऑन द लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल वर्क विद डैम इमुलेट दैम एंड हेल्प सस्टेन देम द थर्ड इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस It should build on relationships that ensure fairness with regard to common environment and life processes. The fourth is principles of care. It should be managed in a precautionary manner to protect the health and well being of current and future generations and the environment. So let's move to the next slide and अब देखेंगे हम स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सो द फर्स्ट इज़ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जनरली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस से ये प्रोटाइज करते हैं कि हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम बना रहे एंड ऐसे टेक्निक्स यूज रहे जिससे कि प्रमोट हो सॉइल हेल्थ वाटर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सेकंड वन इज हेल्थी फूड प्रोडक्शन अब Uh, हमें ये चैलेंज मिलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करके हम हेल्दियर फूड का प्रोडक्शन करें एंड अवॉइड करें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स जी एम ओज रिजल्टिंग इन फूड प्रोडक्ट्स विथ लोअर पेस्टिसाइड रेसिड्यूज द थर्ड इज़ सॉइल हेल्थ एंड और फर्टिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करती है टेक्निक रोटेशन कवर क्रॉपिंग एंड कंपोस्टिंग जिससे कि सॉइल स्ट्रक्चर फर्टिलिटी बनी रहती है माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें एंड सॉइल हेल्थ बनी रहती है द फोर्थ इज वाटर कंजर्वेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है वाटर कंजर्वेशन को जैसे कि मल्चिंग ट्रिप इरीगेशन एंड यूज ऑफ कवर क्रॉप्स जिससे कि रिड्यूस होता है वाटर का यूसेज एंड कम से कम पानी का इस्तेमाल होता है एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ कम होता है पानी का द फिफ्थ इज द नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरली सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को बाई क्रिएटिंग हैबिटेट्स फॉर इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड यह इन्हांस करता है इकोसिस्टम सर्विस को जैसे कि पॉलिनेशन नेचुरल पेस्ट कंट्रोल दिस सिक्स इज क्लाइमेट चेंज मेडिकेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरली प्रैक्टिस करता है ऐसे प्रैक्टिस करता है जिससे कि कम से कम फॉसल फ्यूल बेस्ड इनपुट्स का यूज़ हो सके एंड ये रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को भी एंड इन्हांस करता है कार्बन स्टोरेज को दैवेंथ इज रूरल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोवाइड कर सकता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए एंड रूलर कम्युनिटीज के लिए जो कि सपोर्ट करता है लोकल फूड सिस्टम्स को वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स को द एट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड डिमांड सो ग्रोइंग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ जैसे कि बढ़ते जा रहा हैथिकल कंसर्न ये सारी चीज़ों के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ते जा रही है मार्केट में जिससे कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ऑर्गेनिक फार्मर्स को एंड प्रोड्यूसर्स को द नाइन्थ इज रिसर्च एंड एनोवेशन सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम जनरली रिसर्च कर सकते हैं एंड इनोवेट कर सकते हैं टू डेवलप एंड इम्प्रूव ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स जैसे कि क्रॉप वेराइटीज बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटीज एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स द टेंथ दॉ सपोर्ट एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें शेपिंग स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बाई प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फंडिंग रिसर्च एंडबलिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ये प्रोवाइड करता है जनरली सारे लोगों को जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए उसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस में ईजी हो सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड